क्योंकि समय को भरोसो को नी हो कदे बल्दी मार जा। सच बात है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा कंजूसा की नींद उड़ा दी रे, ये भी समय था। आया ना समय, देव उठने 11 से पहले मोदी जी ने सबके देव उठा दिए। सब सोचे कि अब क्या होगा। अब जैसे ही मोदी जी बोलते हैं मेरे भाइयों बहनों, जिसमें तो सब जेब में हाथ लगाते हैं, सो के भी जाने वाले, कुल्ले भी जाने वाले, सबको चिंता होने लगी जाती। ये समय है, समय से तो टकराना पड़ता है। ये पहाड़ है जीवन, और समय उस जीवन रूपी पहाड़ से टकराता है। लेकिन देखो, रात के बाद सवेरा भी होता है और सुबह के बाद वापस रात भी होती है। तो इंसान के पास चार सूत्र होने चाहिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। अगर ये चारों हैं तो समय के साथ हम चल सकते हैं। बड़ी प्यारी रचना के साथ, ताली के साथ। कदे कदे गांठ रासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कदे बल्दी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। समय परिवर्तन, समय कभी भी कैसे भी बदल जाता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक मंदिर के आगे एक कुत्ता खड़ा था, हाथ जोड़कर रो रहा था। किसी संत ने उसके आंसू पढ़ लिए, बोले क्या हुआ? कुत्ता कहने लगा, मैं भगवान से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि हे भगवान, जितने भी दुनिया में शराब पीने वाले लोग हैं, मैं उनको देख देख करके रो रहा हूं। क्या कहा कुत्ते ने? कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, मैं उनको देख देख कर रो रहा हूं, और भगवान से कह रहा हूं कि एक बार मुझे इंसान बना दे और उन लोगों को कुत्ता बना दे। तो संत ने क्या कहा?
अरे तू चिंता मत कर, याद रखना कि कुत्ते को कितनी भी शराब पिला दो पर वो इंसान नहीं बन सकता, और इंसान को एक बोतल शराब पिला दो तो 2 मिनट में कुत्ता बन जाता है, खड़ा हो जाता है। संत की वाणी सुनकर कुत्ता भी मस्त हो गया कि आनंद की बात कर दी आपने, तब तो मैं ठीक हूं, फिर तो मैं जहां हूं वहां सही हूं। उसने कहा मेरा समय अच्छा है। करोड़ों रुपए की बात संत के मुंह से निकल गई, लेने वाला होना चाहिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कौन दीवाने हैं राम जी के, हाथ उठाकर फैला कर दोनों हाथ और ताली के साथ में 1 2 3 4। हरिश्चंद्र राजा महादानी, हरिश्चंद्र राजा महादानी, भोला सुत और नारी, कर्म की रेखा असली लिखी जो भरे नीच घर पाले। कितने वीर थे वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आज मैं सच बता रही हूँ। इंसान चंद रुपयों की खातिर झूठ बोल जाता है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। पता नहीं चलता कौन कैसा है। कितने ही काल नेमी सुंदर बाने में छुपे हुए हैं, और जाने कितने हनुमान जी ऐसे ही चले चले जा रहे हैं। हनुमान जी को भी चल लिया। सुनिएगा, इंसान गीता उठा लेते हैं, 5 गज जमीन के पीछे भागवत पर हाथ रख के कह देते हैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा। ईमान भी लुटा देते हैं लोग, झूठ बोल जाते हैं। अरे भैया, कम से कम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से तो इतना तो सीखो कि सत्य के खातिर उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, खुद भी बिक गए। बाबा नहीं 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 बाबा, अरे बाबा ऐसे मत करो, अरे आपका तो आशीर्वाद चाहिए, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। हरिश्चंद्र राजा महादानी, भोला सुत और नारी, कर्म की रेखा असी लिखी जो भरे नीच घर पाही। शिरोमणि मीराबाई, उनका भी समय बदला। कन्हैया को पुकारते 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 मीराबाई ने कहा, आना है कि नहीं आना सावरिया। क्या पंक्तियां कही है, किस कारण से मुख को मोड़ा पीछे भवारे में किस विधि छोड़ा। आप आ
बांटते हैं, संस्कार बांटते हैं, हमारे धर्म की परिभाषा हमें सिखाते हैं, वही होते हैं संत। लेकिन रियल में आज की तारीख में अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर मीठा सा थोड़ा हरी बोल, हमारे बाबा के लिए भी तालियां बजा दी। ये दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं और ये आशीर्वाद भी कभी टाला नहीं जाता है। मैं तो फिर भी हमेशा कह रही हूँ कि मुझे नहीं, सच में सूर्य मंडल बालोत्रा जोरदार तालियां, बहुत ही आशीर्वाद मिला मुझे इस मंडल से। सबसे पहले सूर्य मंडल, या उससे पहले एक और कोई शनि, एक ही बात है, उसी मंच का आशीर्वाद है, उन्हीं बाबा की कृपा है। क्योंकि अगर इस दुनिया के अंदर सबसे सच्चे संत देखना चाहते हैं, जो देने का भाव रखते हैं, थोड़ा ले जाना चाहूंगी आप सभी को वहां तक, पहुंचाना चाहूंगी आप सभी को वहां तक कि सच्चा संत कौन है। आज केवल हमारी इस धरती पर दो ही सच्चे संत देखे जाएंगे। सबसे पहले देखी जाए तो गौ माता है, जो डंडा मारोगे तो भी मीठा दूध देगी, वही संत की परिभाषा हमें सिखा रही है। और दूसरा, हिंदुस्तान के वो सैनिक, वो फौजी भाई जो अपने सीने पर गोली खा करके खुली आजादी की जिंदगी हमें दे रहे हैं, सच्चे संत तो वही कहलाते हैं। मानोगे कि नहीं मानोगे, संत है जो देने का भाव रखता है, जो देता है वो देवता और जो लेता है वो लेवता। तो देवता कौन? जो देता है ज्ञान रूपी प्रकाश, खुशी रूपी जिंदगी और परमात्मा रूपी अमृत को जो पी ले वो देवता। और लेवता जो हम हाथ खोल कर बैठे हैं, जिनको लेना है परमात्मा से, दोनों हाथ उठा करके बोलिए सद्गुरु महाराज की। गुरु कहे संता की वाणी अमृत रस बरसावे, थारो मनड़ो ज्यादा धड़के गुरु शरण में जागे, गुरुदेव वेदों की वाणी, गुरुदेव वेदों की वाणी पेड़ों पर लगावे। सभी से आशीर्वाद चाहूंगी, अगर भजन में आनंद आया है, बात अच्छी लगी है तो ताली मत बजाना, पर बात इतनी सी भी सच्ची लगी है तो पूरे पांडाल से सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ समय को भरोसो को होकते बलती बाहर जावे, समय को भरोसो कोनी कते बलती मार जावे। जिंदगी समर जाएगी,
मेरे गुरु कौन है आज मैं बताती हूँ, सारी दुनिया जानती है। मेरे माता पिता तो खैर मेरे गुरु हैं, उनके आगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अलका शर्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया, शिक्षा दी, या मेरी आंखें जिन्होंने खोली है ना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, नया युग आएगा। मेरे गुरुजी ने कहा बेटा भजन गायिका बनेगी तो खूब सारे कांटे मिलेंगे। मैंने कहा गुरुजी इस दुनिया में कितने भी कांटे मिले सबसे दामन बजाते बजाते चलेंगे, अच्छाई के अच्छाई लोग कम देंगे लेकिन बुराई ज्यादा देंगे। मैंने कहा मंजूर है, कोई बात नहीं, सब कुछ मंजूर है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, आज मैं मेरे गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। सारी दुनिया में कान में फूंक देने वाले गुरु जी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मैंने कभी कान में फूंक देने वाले गुरु के शरण में नहीं गई। मैंने उन्हीं की शरण ली है जो वास्तव में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को लाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मेरे गुरुदेव के लिए दोनों हाथ उठाकर बोलिए सतगुरु महाराज की, और अपने अपने गुरु के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ 1 2 3 4। सतगुरु आकर आया हमारे गंगा को मिट्टी लाया, सतगुरु आकर आया हमारे गंगा को मिट्टी लाया। किन किन ने बनाए गुरु के, खुद ही गुरु बनकर बैठे चले की तैयारी है, ऐसा तो नहीं? हाँ जी, उमरी निर्मल हो गई काया, निर्मल हो गई काया। बलिहारी जाऊं रे।